स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी अब देखने वाले हैं कि किस तरह से अक्षु बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगी वैलेंटाइंस डे को लेकर, तो दूसरी ओर नील भी अपने भाई अभी को समझाता हुआ नजर आएगा कि उन्हें अक्षु के साथ वैलेंटाइंस डे स्पेंड करना ही होगा, सेलिब्रेट करना ही होगा, क्योंकि ये लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं कि इन्हें मनाना बहुत मुश्किल होता है। वह पहले अभी उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, लेकिन जब उसकी माँ भी आकर उसे यही कहेगी तो उसे इन सब की बात माननी ही होगी। वल इसी के साथ आप देखेंगे कि अब गोइंकास जाएंगे मंदिर में, जहां पर सब बहुत ज्यादा खुश होंगे, और वहीं पर आएगा अभी। यहां हमें अभी और अक्षु दोनों के बीच ही कुछ रोमांटिक से मोमेंट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। इन्हीं सब के बीच आप देखेंगे कि अक्षु की मम्मा की डायरी उसके बैग से गिर जाएगी, लेकिन ये डायरी लगेगी हाथ अभी के। जी हाँ, इन्हीं सब के साथ आप देखेंगे कि अक्षु और अभी एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। आरू उसे देखेगी और सोचेगी कि ये इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रही है, लेकिन अभी वहाँ से चला जाएगा और अक्षु देखेगी कि उसके पीछे आरू, बड़े पापा और बड़ी मम्मी तीनों ही खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर वो बहुत हैरान होगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि अभी वहाँ आया था। वल इन्हीं सब के साथ आप देखने वाले हैं कि किस तरह से अक्षु सपने में खोई हुई होगी। जी हाँ, यहाँ हमें अक्षु का ड्रीम सीक्वेंस देखने के लिए मिलने वाला है, जब वो सपने में देखेगी कि अभी सुबह सुबह आया है बहुत सारे बलून्स लेकर। वो बहुत खुश होगी और आप देखेंगे कि वो नींद नींद में आरू को गले लगा लेगी और आरू एकदम से चिल्लाएगी तो दोनों की आंखें खुल जाएंगी। इसी के साथ ही अक्षु को ये एहसास होगा कि उसने क्या किया है, लेकिन आने वाला ये वैलेंटाइंस डे बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जब अभी के हाथ वो डायरी लगेगी तो वो उसमें पढ़ लेगा उसकी मम्मा की सारी बातें और उसी तरह से उसको ये सरप्राइज देने वाला है। जो यहाँ ये सब देखकर अक्षु बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगी और थोड़े से इमोशनल होते हुए भी नजर आएगी। वह शो का आने वाला ट्रैक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते रहिए स्टार प्लस पर ये रिश्ता क्या कहलाता है।